मायरी में तो लियो रे गोविंदो मोल, भक्तिमय मीरा के यह पद मेवाड़ भूमि में आज भी मीराबाई की याद दिलाते हैं। भागवत कथाओं का दौर आज भी परंपरानुसार यहाँ जारी है और आज बेदला गांव में यह देखने का अवसर मिल रहा है श्रद्धालुओं को। भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालु भक्ति में सराबोर हैं। मथुरा वृंदावन से देवी मुरलिका जी बोर्ड यहां आई हुई हैं और भागवत कथा का ध्यान कर रही हैं। इसमें श्रद्धालु अपार रूप से आए हुए हैं और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं बड़े ही प्रेम से। आप भी देखें यह पूरा आयोजन। तो हम लोग भगवान को तो दिया लौटे तो केके मिलिया चरणों की सेवा करते रहे। चरण दबा दिया, चरण दबाते रहो। आपके केसों में लगी हुई ये पुष्टी कली बड़ी सुंदर है। मैं चाहती हूँ आज जब दशरथ जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए गए, संध्या वंदन करके लौटे, बीच रास्ते में याद आया कि हमने तो कहा था, केकई से वादा भी किया था, माला लेकर आऊंगा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। दशरथ जी महाराज जिस आसन पर बैठ करके संध्या वंदन करते हैं उसी आसन को वो ढूंढे। वो सेवक ये नहीं जानते कि यही महाराज दशरथ हैं। उन सेवकों ने कहा, महाराज हमारे स्वामी का ये आदेश है, हमारे यहाँ कोई निसंतान रहे। महाराज दशरथ संध्या वंदन करके लौट जाया करें तो उनके बैठने वाला जो आसन है वो साफ कर दिया जाए, आपका पालन हम कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने जब ये बातें सुनी पीड़ा हुई और बंधुओं बड़े ही विशेष बात बड़ी ही ध्यान से आप श्रवण करें। मन हो गया है ये जग तो बड़ा सांत्वना तो ऐसी देते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और महाराज सोलही मधुर कठिन जिन की बात स्वीट पीछे महाराज क्या अच्छे से परोसते हैं आप खुद जाओ। कोई दुख आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए पड़ोसी को भूल कर मत बताओ, और ऐसा एक संत हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसा सद्गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। सद्गुरु देव भगवान से कभी भी किसी भी बात को मत छुपाओ, क्योंकि एक संत महापुरुष के पास बाबा रामचरित मानस में कह रहे हैं, एक ही
वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे, गुरु चरणों में प्रणाम निवेदन किया, अपना सुख भी सुनाया और कहा, गुरुदेव मेरा ये निवेदन है आपके चरणारविंदों में, क्या मैं अयोध्या का अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे एक कुल में कोई तर्पण करने वाला, जन्म देने वाला आएगा? मुझे संतान का मुख देखने को प्राप्त होगा कि नहीं? बंधुओं, जब वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज की बातों को सुना और समझाया, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों का जन्म होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, धरहूं धीर हो यही सूत चारी, धरहूं धीर हो यही सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजन चिंता ना करे, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और अवश्य ही तुम्हें संतान का, मुख संतान का सुख प्राप्त होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ बंधुओं प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष पधारे। हाथ में खीर का प्रसाद, का प्रसाद वितरण किया गया। बंधुओं, पक्षी उड़कर होते हैं, ऊपर बैठ कर के उस पक्षी ने कुछ बोलने का प्रयास किया, उसी वृक्ष के नीचे उस पक्षी के मुख में से निकल कर के वो उस खीर को शिव प्रसाद समझ कर के ग्रहण किया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब माता सुमित्रा के हिस्से के प्रसाद को तो पक्षी लेकर चला गया, तो माता कैकेयी ने और माता कौशल्या ने अपने अपने प्रसाद में से कुछ कुछ भाग माता सुमित्रा को दिया। माता सुमित्रा सकल भय जोग लगन देवार सकल भय। सुंदर अभिजित मुहूर्त जब आया बंधुओं, तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार माता कौशल्या के पक्ष में प्रकट हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की जय। Thank you.
महल में प्रकट हुए हैं प्रभु, तो संत चक्र कथा चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु आपसे लाला बनकर आने को बोला था, आप तो बाबा बनकर आए। वहां जब आपके दर्शन करेंगे तो क्या कहेंगे लोग? कौशल्या महारानी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। प्रभु संत चक्र कथा प्रभु सबको आपको त्याग है। ठाकुर जी ने संत चक्र गदा पर सब त्याग दिए। काम ये आप कैसे लग रहे हैं बताओ, कोई कमी तो नहीं है? तो मैया ने कहा, प्रभु संसार में जब बालक आता है ना तो वो छोटा सा आता है, इतना बड़ा नहीं आता। मैया की बात सुन करके प्रभु छोटे से बालक के रूप में उत्पन्न हो गए। और जैसे ही कौशल्या मैया के कक्ष से महक से बालक के रोने की आवाज आई, समस्त दासियां दौड़ी हैं दशरथ जी महाराज के पास। महाराज बधाई हो, कौशल्या महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। सभी बड़े तीव्र गति से दौड़ी है केकई मैया की दासी। अरे महाराज मेरी सुनो, क्या हुआ? केकई महारानी ने एक लाला को जन्म दिया है। बड़ी तीव्र गति से दौड़ रही है सुमित्रा मैया की दासी और कहा, महाराज इन सब की बात में सुनना, मेरी सुनो। अरे क्या हुआ महाराज? सुमित्रा महारानी ने एक नहीं दो दो लालाओं को जन्म दिया है। महाराज बधाई हो, माताओं और भाई बहनों आपके बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैयाओं को ही बोलेगा। और तीन बार हाथ उठाकर के बोलना है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा कोई नहीं बोलेगा। आपको ही बोलना है, बधाई हो। एक चांस और आपके पास। दशरथ जी महाराज दादाओं की जन्मोत्सव की बधाई हो। अब आपको नहीं बोलना, जितने भी भाई बहन बैठे उनको आपको नहीं बोलना। आपके जन्मोत्सव की बधाई हो। कौशल्या मैया ने दशरथ जी महाराज के यहाँ लाला प्रकट कर दिए। हमें हमारे भयो I'm gonna make it.
यही अब गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो जाएं और जल्दी से जल्दी उनके दर्शन हमें प्राप्त हों। मैया एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आज जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत प्रसन्नता का विषय है। 499 साल चलता आ रहा है आजकल और आज ये दिन आया है तो सभी भक्त आरती के बाद जब घर अपने जाएं तो पांच पांच दीपक घी के सभी हरि भक्त अपने अपने बहुत लॉन्ग वेट के बाद में समय हमारे जीवन में आया है बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है। बड़े ही आनंद की सुमन दृष्टि समस्त अयोध्या धाम में हो रही है। आनंद मंगल सभी अयोध्या वासी गा रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। सुंदर नामकरण संस्कार की बेला आई। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार प्रभु का। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं जो आनंद सिंधु से देवताओं ने गर्भ स्थिति की है प्रभु की। स्वागतम कृष्णाय शरणागतम पीतांबरम संदर्भ
अखिलो ब्रह्मांडना जग तमद्भुतं बालकमुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदा इन्द्रायुधम्। हे नाथ, आपके चरणों में बार बार प्रार्थना निवेदन प्रणाम है, स्तुति करके बंधुओं, ठाकुर जी की आज्ञा हुई है कि आप मुझे गोकुल में ब्रजरानी यशोदा जी के यहाँ, बाबा नंद के यहाँ छोड़कर आए, और ब्रजरानी यशोदा जी ने कन्याओं को जन्म दियो है, वह कन्याएं लाकर के मामा जी बालकृष्ण प्रभु को लेकर के चले हैं। वसुदेव जी महाराज, बंधुओं समझ गए आपकी हथकड़ियां सुन गई, पैरों की गई, और बालकृष्ण प्रभु को लेकर के वसुदेव जी चले। जय हो। अब देखिए लाला कन्हैया का प्राकट्य हुआ है और सभी बड़ी खुशी में, क्योंकि विद्या के साथ की मैया यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ। बोलिए आपको हमारी इस धार्मिक कमेटी के लिए इसके बोले जय श्री कृष्ण। थैंक यू। की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, व्यासपीठ पर नमन। राम के जन्म के बारे में प्रसंग सुनिए। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है और जिसमें वर्षों से हिंदू समाज एक मांग कर रहा था, वर्षों पुराना कलंक हिंदू समाज पर था, आज न्यायालय ने उस कलंक को हटा दिया है और राम जन्मभूमि न्यास वो सरकार को दी है। मैं चाहता हूँ इस मौके पे आप सभी तालियां बजाकर प्रभु श्री राम का गायन करो। जय श्री राम। इस शिला पे लिखा हुआ था जय श्री राम, और उसके बाद 1992 में पूरे भारत वर्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माता बहन बेटे व्यवस्था बनाए रखें, और जिस प्रकार से कान सेवा का सदन हुआ, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अयोध्या तक यात्रा निकाली और यात्रा के बदौलत पूरे भारत में राम जन्मभूमि का विषय है कि आज उच्चतम न्यायालय ने वर्षों पुराना दाग हटा दिया है और उसके साथ मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन भी दी है ताकि भारत में सहिष्णुता रहे, सेक्युलरिज्म हमेशा रहे, और पुनः आप सभी ग्रामवासियों को इस मन से भव्य राम मंदिर के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे जब गोकुल को नीचे रखा Yeah।
आज क्या हुआ? आज भागवत कथा से राम जी का कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। क्या कहना है आपका, बताओ। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया, आनंद आया, मजा लिया हमने। ये पहली बार हम इस कथा में आए। सासू जी बोल बोल कर थक गए लेकिन कभी नहीं आई, लेकिन फर्स्ट टाइम आए तो इंटरेस्ट लग गया। बहुत मजा आ रहा है। चलो बोलो बोलो, आप क्या कहना है? आनंद आया, बहुत नाचे, आनंद आया। हमारे गांव के अंदर भागवत महापुराण की कथा हो रही, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज राम चरित मानस का बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही सुंदर। भारत देश देवताओं की धरती है और पुण्य धरा है, और जिलों की नगरी उदयपुर में यहाँ यूं तो कई संत पधारते रहते हैं, लेकिन आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि देवी मुरलिका जी घोड़ यहाँ आए हैं भागवत कथा के लिए, और काफ़ी रसमयी कथा यहाँ पर हो रही है बेदला गांव में, और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देवी मुरलिका जी हमारे साथ में हैं, आप बताएं। काफ़ी भक्तों का सैलाब कथा में उमड़ रहा है, और राम कथा हुई है आज, और आज परिणाम भी राम के पक्ष में आया है, क्या कहना है आपका? जी राधे राधे जी। उदयपुर राजस्थान की पावन वसुंधरा पर, वैसे तो राजस्थान की धरती अपने आप में गौरवान्वित है, और इसके साथ साथ चल रही श्रीमद् भागवत कथा में जो भक्तों का सैलाब है, जो श्रद्धा है, वो प्रभु के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, बहुत देखने को मिल रही है। और मैं कहना चाहूंगी कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय हमारे जीवन में है कि आज कथा में भी राम जन्मोत्सव हमने बहुत प्रसन्नता पूर्वक मनाया, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आज राम मंदिर पर ये सुंदर फैसला आया। कितने वर्षों से
इंतजार हो रहा था, सुनते आ रहे थे, लेकिन इतने लॉन्ग वेट के बाद में ये आनंद हमारे जीवन में आया है, बहुत प्रसन्नता है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जल्दी ही शीघ्र ही हमारे लाल रामलला मंदिर में बैठे और हम सभी भक्तों को दर्शन दें और हमें वो सुंदर झांकी का प्रादुर्भाव हो, दर्शन प्राप्त हो। कथा में काफी अच्छे अच्छे प्रसंग भी आए, सास बहू का प्रसंग भी आपने काफी अच्छे थे, और माताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही कि आलस्य तो है तो वो माताओं को, बच्चों से ज्यादा माताओं में, कि वो बच्चों को जल्दी उठाने में थोड़ा मोह करती है कि बच्चा सोए रहे, लेकिन उसका भविष्य जगाने में है। क्या कहना है आपका इस बात के लिए? मैं हमेशा कथाओं में कहा करती हूँ अक्सर कि अगर बच्चों में संस्कार डालना हम चाहते हैं तो पहले कुछ जो नियम है पेरेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है संस्कार। संस्कार पहले से ही हमारे भारत राष्ट्र में, आपको मैं एक बात के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी, प्रयत्न करूंगी कि पहले हमारे घरों में रामचरितमानस हुआ करती थी। प्रतिदिन ये नियम था कि जो भी जितने भी मेंबर्स हैं घर में वो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरे राष्ट्र का, पुराण तो घरों में है ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो सबसे ज्यादा धूल पुराणों पर मिलेगी। इसका मेन कारण ये है कि अगर हम बचपन से अगर बच्चों में हम संस्कार देखना चाहते हैं तो बचपन से ही हम उनको प्रभु की शरणागति ग्रहण कराएं, हम अपने शास्त्रों के बारे में, हम अपने पुराणों के बारे में उनको बताएं। और मैंने कथा में भी कहा है कि अगर माता पिता सभी चाहते हैं उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बने तो लाड़ प्यार, किस बात को लाड़ प्यार कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। उनकी नजरों में कौन सा लाड़ प्यार है? मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा खिलाओ ये लाड़ है, अच्छी शिक्षा दो ये लाड़ है, अच्छे मतलब तीर्थ स्थलों पर ले जाओ, दर्शन कराओ, राम के बारे में उनको उनको पहचान कराओ, रामचरितमानस क्या है, भागवत क्या है, जीवन कैसा होना चाहिए, उनको ऐसे संस्कार प्रदान हम करें। अगर हम ऐसे संस्कार देते हैं, आपने कहा कि माताएं आलस्य करती हैं, पहले के बुजुर्ग देखे होंगे आपने, हमारे जो बुजुर्ग हैं 4 बजे के बाद सोते नहीं, जैसे ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया खड़े हो जाए, और जो घर में जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल थे वो सभी अपने आप खड़े हो जाते। तो माता ही जब 8 बजे उठ रही है, पेरेंट्स ही जब सूर्यदेव भगवान उदय हो रहे हैं उसके बाद उठ रहे हैं, तो आप बच्चों से अपेक्षा ना करें। अगर बच्चों में संस्कार डालना है, चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, राष्ट्र का नाम रोशन करें, तो ये लाड़ कीजिए, सुबह जल्दी उठाइए, अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान कीजिए, ये तो लाड़ है। वो इन कौन सी दुनिया को लाड़ कहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। बच्चों को संस्कार देना है तो माता पिता को पहले संस्कारवान बनना होगा और बच्चों को फिर बाद में संस्कार देना होगा। हमारे साथ में और श्रद्धालु भी हैं, आप बताएं जिस तरह से आपने कथा सुनी है क्या कहना है आपका? मैंने जो कथा सुनी है अब क्या बताऊं कथा सुनी है, कथा सुनने में इंटरेस्ट आता है, कथा सुनने में अच्छा लगता है, कथा सुनने में जैसे कि यूं बस यूं कि बस अब कुछ दिखता नहीं है, बस कि बस कुछ दिल में कुछ छा गया है यूं कि एक रंग कि कुछ आनंद आ रहा है जीने का, ये जीने का है। जीने का आनंद, जीने का रंग और जीने का ढंग कथा सुनने के बाद सहज ही राममय होता जा रहा है, भगवतमय होता जा रहा है। भागवत कथा एक बार जो सुनता है उसके मन में स्वयं हरि आकर बसते हैं और फिर उन्हें कोई दुख नहीं होता है। हमारे साथ में नरेश जी हैं,
आप बताएं, बहुत ही अच्छा आप आयोजन करवा रहे हैं, बेतला गांव के वासियों को एक सुखद आनंद आप प्रदान करवा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देवी मुल्लिका गौड़ जी का यहाँ पधारना हुआ, व्यास भी प्यार विराजमान है। पिछले 6 तारीख से आप कथा कर रहे हैं, आज कथा का 4वां दिन है। पूरा गांव अध्यात्म की वेला में डूब गया है और सब माताएं बहनें सब इस कथा में आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पूरे कह सकते हैं बिरला एक धार्मिक नगरी बन गई है आज की स्थिति में। पूरा कथा श्रवण कर रहे हैं, माता बहनें युवा साथी बुजुर्ग सब कथा का आनंद ले रहे हैं और हम आत्मविभोर है आपकी कथा, आपकी अमृत वचन हम सुन रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके अमृत वचनों का हम जीवन में उतरें। जब कथा जीवन में उतरती है और हृदय में स्थिर होती है तो अपने जीवन का जीने का भाव बदल जाता है और यह शरीर शरीर नहीं होता है, ईश्वरमय हो जाता है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।